जी जी प्लांट, एयर प्यूरीफायर प्लांट है। पौधा घर के अंदर कम रोशनी वाली जगह में रखा जा सकता है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। जी जी प्लांट की स्टेम को या पत्ती को पानी में रखकर पौधा तैयार किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिड बिट्स ऑफ लाइफ में। मैं स्नेह। जी जी प्लांट के रूट्स में बल्ब होते हैं। एक बल्ब से कई बल्ब बनते रहते हैं। एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। पानी में लगे हुए जी जी प्लांट के ये पौधे स्टेम और पत्ती की सहायता से तैयार किए हुए हैं। पानी में पौधा तैयार करने के लिए जी जी प्लांट की कुछ पत्तियां ली हैं, दो स्टेम ली है, एक स्टेम छोटी है, एक बड़ी है। छोटी से छोटी पत्ती या स्टेम से पौधा तैयार हो जाता है। पत्ती को पानी में रखने के लिए प्लास्टिक की छोटी बोतल ली है। बोतल को ऊपर से काटकर अलग कर लिया है। नीचे के हिस्से में आधा से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है। बोतल के दूसरे टुकड़े को ऊपर से उल्टा करके रखा है। पत्ती को एक एक करके पानी में रखा है। पत्ती को इस तरह से रखेंगे, नीचे की पत्ती पानी को छूते रहना चाहिए। पानी में पत्ती डूबनी नहीं चाहिए। दो तीन दिन बाद बाद पानी बदलते रहेंगे। रूट्स बनाने के लिए पत्ती और स्टेम पानी से न्यूट्रिशन लेती रहती है। पानी साफ रहने से पत्तियां सड़ने से बची रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, रूट्स जल्दी बनेगी। स्टेम लगाने के लिए एक और बोतल ली है। स्टेम को डायरेक्ट बोतल में नहीं रखा है, नीचे एक इंच ऊंचाई तक सफ़ेद पत्थर रखे हैं। पत्थरों के बीच बीच में रूट्स को फैलने की जगह मिलती है। रूट्स तेज़ी से बढ़ती है। दोनों स्टेम को पत्थर के ऊपर रखा है। स्टेम का नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पानी में रखने के बाद दोनों बोतल को छाया वाली जगह में रख दिया है। यहाँ रोशनी और हवा मिलती रहेगी। पत्ती और स्टेम को पानी में लगाने के 15-20 दिन बाद रूट्स बननी शुरू हो गई है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में रोशनी अंदर जाने से काई बनती है। रूट्स को हेल्दी रखने के लिए 15-20 दिन बाद बाद पौधे को निकाल कर काई साफ कर लेना चाहिए। तरीका बहुत आसान है। पौधे को निकाल कर पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। बल्ब और रूट्स टूटना नहीं चाहिए। एक दो बार पानी बदल कर धो लेने से रूट्स में से लगी काई निकल जाती है। बोतल की काई को धोकर आधी बोतल में साफ पानी लिया है। पत्थर की काई को साफ करके बोतल में नीचे रख लिया है। बल्ब बनने के बाद बोतल के ऊपरी हिस्से को हटा दिया है। स्टेम से तैयार पौधे को नीचे की बोतल में डायरेक्ट पत्थर के ऊपर रखा है। साफ पानी में रूट्स की ग्रोथ तेज़ी से होगी। पानी में रखी हुई सभी पत्तियों में रूट्स और बल्ब बन गए हैं।
काई साफ करने के लिए पौधों को निकालकर पानी में रख लिया है। पत्तियाँ जीजी प्लांट की दो अलग अलग वैरायटी की हैं। ग्रीन जीजी प्लांट की पत्तियों के साथ ही एक दो पत्तियाँ ब्लैक जीजी प्लांट की भी हैं। पानी में रखी हुई सभी पत्तियों में रूट्स और बल्ब बन गए हैं। नोड में से निकलती हुई नई ग्रोथ दिखाई देने लगी है। बॉटल को साफ करके फ्रेश पानी ले लिया है। बॉटल चेंज भी की जा सकती है। डार्क कलर की बॉटल में भी पत्तियों को ग्रो किया जा सकता है। रोशनी अंदर तक नहीं जाने से काई कम लगती है। ट्रांसपेरेंट बॉटल में रूट्स और बल्ब की ग्रोथ बाहर से दिखाई देती रहती है। तैयार बल्ब में फंगस लगने का डर होता है। 25-30 दिन बाद पौधों को निकालकर साफ कर लेना चाहिए, पानी बदल देना चाहिए। बल्ब तैयार होने के बाद पत्तियों को अलग अलग जगह पर रखा जा सकता है। बल्ब तैयार होने के बाद एक से कई बल्ब बनते हैं, बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। जगह ज़्यादा मिलने से बल्ब तेज़ी से मल्टीप्लाई होंगे। पत्तियों को लगाने के लिए कम जगह की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने छोटी प्लास्टिक की बोतल ली थी। बल्ब बनने के बाद पत्तियों को बड़ी जगह की ज़रूरत है। तैयार पौधों को रखने के लिए प्लास्टिक का छोटा ग्लास लिया है। रूट्स की लंबाई बढ़ते रहने के लिए ग्लास में नीचे कुछ पत्थर रखे हैं। रूट्स और बल्ब बनने के बाद एक दो पत्तियां खराब होने लगी हैं। बल्ब तैयार होने के बाद पुरानी पत्तियां गल जाती हैं। सॉयल में लगाने के बाद पुरानी पत्तियां पीली पड़कर सूखकर गिर जाती हैं। नए पौधे बल्ब में से निकलेंगे। बल्ब में नोड होती है। नोड में से अंकुर निकलते हैं। अंकुर निकलने के बाद स्टेम बनती है। स्टेम से नई पत्तियां निकलती हैं। धीरे धीरे पौधा बन जाता है। रूट्स के साथ बल्ब तैयार होने में 5-6 महीने का समय लगा है। रूट्स बनने के बाद बल्ब बनते हैं। बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बल्ब अलग अलग करके लगाए जा सकते हैं। एक बल्ब में कई नोड होती हैं। नोड से नए पौधे निकलते हैं। स्टेम और पत्तियां निकलने के बाद पौधा बन जाता है। बल्ब बनने के बाद पानी में से निकालकर पौधों को अब सॉयल में लगाया जा सकता है। पौधे सॉयल में लगाने के लिए तैयार हैं। एक स्टेम में 3 बल्ब तैयार हुए हैं। स्टेम से, पत्तियों से जीजी प्लांट के पौधे तैयार हो गए हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें छोटे पॉट में मिट्टी में लगाऊंगी। वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मिट्टी में लगाने के बाद नई स्टेम, नई पत्तियां निकलेंगी। सॉइल में लगाने के बाद पौधे कैसे बड़े होते हैं, ग्रोथ कितनी होती है, अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए पौधे या फूल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।